कास्तीगढ़ जंगल के ऊपरी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच दो घंटे तक मुठभेड़ चली। डोडा के जंगलों में तीन आतंकियों के होने की खबर है। तीनों आतंकी पहाड़ी के टॉप पर पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। अब आतंकियों के भागने की कोई जगह बाकी नहीं है। सुरक्षा बल का घेरा पहाड़ी के टॉप पर बढ़ता ही जा रहा है। खबर जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है। कास्तीगढ़ जंगल के ऊपरी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच दो घंटे तक मुठभेड़ चली। डोडा के जंगलों में तीन आतंकियों के होने की खबर है। तीनों आतंकी पहाड़ी के टॉप पर पहुंच चुके हैं। डोडा के कास्तीगढ़ अपर रिजेस में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। बताया जा रहा है ये मुठभेड़ तकरीबन सुबह 2 बजे के करीब शुरू हुई, जब इस एरिया में आतंकी छुपे होने की खबर मिलने के बाद पूरे एरिया को कार्डन में लिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर के जवान जो है वो लगाए गए, ताकि जो आतंकी घेरे हुए हैं वो यहाँ से बच निकलने में उन्हें कोई भी यहाँ रास्ता ना हो और उन्हें इसी एरिया में जल्द से जल्द ढेर किया जाए। क्योंकि इस ऑपरेशन को बता दें कि चौथा दिन है आज, और लगातार इस देसा भाटा के इन जंगलों में इस जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी जवान और सुरक्षा बलों के भी यहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ताकि इस एरिया में जो मिलिटेंट छुपे हुए थे उन्हें आज जल्द से जल्द मार गिराया जाए। इस ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे, अभी तक इस ऑपरेशन में हाल ही में आतंकियों ने जो घात बना के हुए बैठे थे उसमें 4 सेना के जवान शहीद हुए थे, लेकिन आज आतंकी घेर लिए गए हैं कास्तीगढ़ के अपर रिजेस जंगल में। तो सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है, और जैसा कि आपको बताया भी जा रहा है कि डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान और इन आतंकियों को घेर लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बल ने लगातार मुस्तैदी दिखाई और जितने भी आतंकी वहां पर मौजूद हैं सभी को घेर लिया गया। हर तरफ से नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है, और लगातार ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के डोडा में, जहां सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया। कास्तीगढ़ जंगल के ऊपरी इलाके में आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है। पाकिस्तान में 24 घंटे में 2 आतंकी हमले। सेना के ठिकाने को आतंकियों ने बनाया निशाना। अस्पताल को भी आतंकियों ने नहीं बख्शा। पाकिस्तान को उसी के पाले पोसे आतंकवादी अब खून से लाल कर रहे हैं। हमला करने वाले आतंकी ना तो स्कूल देखते हैं और ना ही अस्पताल, और सैन्य ठिकाने तो उनकी हिट लिस्ट में है। पाकिस्तान को आतंक का ये नाग आए दिन डसता है, और पाकिस्तान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता है कि वो मुंह खोलेगा तो सच पूरी दुनिया को पता चलेगा। पाकिस्तान में ये सब कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये दिखाने से पहले आपको तहरीके तालिबान पाकिस्तान का ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। अभी कुछ ही वक्त हुआ जब टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की ओर से ये वीडियो जारी किया गया था। गौर से देखिए सुरक्षा बलों के काफिले पर कैसे निशाना लगा रहे हैं टीटीपी के आतंकी। जंगल के इलाके में शूट किए गए इस वीडियो में बताया गया है कि टीटीपी की मंशा क्या है। टीटीपी को पता है कि जंगल के इस इलाके में पाक सुरक्षा बलों की गश्त होने वाली है, इसलिए पहले से ही आतंकी गड्ढों में अपनी पोजीशन लिए बैठे हैं। जैसे ही काफिले की पहली गाड़ी पार होती है आतंकी ऑटोमेटिक हथियारों से हमला शुरू कर देते हैं। पहली गाड़ी के गुजरते ही दूसरी गाड़ी भी आतंकियों की रेंज में आ जाती है और आतंकियों ने दूसरी गाड़ी पर भी हमला कर दिया। ये वही टीटीपी है जिसने पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। लेकिन आसिम मुनीर टीटीपी के इस इशारे को नहीं समझ पाए और एक बार फिर आतंकी पाकिस्तान में खून खराबा करने में कामयाब हो गए। अब देखिए कि पाकिस्तान के किस हिस्से को आतंकियों ने निशाना बनाया।
और जब दोनों ओर से बंदूकें खामोश हुई तो हर तरफ तबाही के निशान थे। जमीन पर पड़े हुए आतंकियों और पाक आर्मी के जवानों के क्षत विक्षत शव पड़े हुए थे। पाक सेना के अफसर उन्हें आखिरी विदाई भी देने पहुंचे। पाकिस्तानी सेना ने इस आतंकवादी हमले के दौरान जो सैनिक मारे गए उनकी तस्वीरें भी जारी की। नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन खान, सिपाही शोभन मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और लांस नायक सब्ज अल। इस आतंकी हमले में पाकिस्तान के 8 जवानों की मौत हुई है। हमले के एक दिन तक पाकिस्तानी सेना ने चुप्पी साधे रखी। फिर एक दिन बाद पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने कहा कि आतंकवादियों ने 15 जुलाई की सुबह बन्नू छावनी पर हमला किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनके परिसर में घुसने के प्रयास को विफल कर दिया। परिसर में घुसने में विफल हो जाने के बाद आतंकियों ने विस्फोटक से लदे वाहन को छावनी परिसर की बाहरी दीवार में घुसा दिया। पाकिस्तान के बन्नू इलाके में सड़कें सील कर दी गईं, दुकानों के शटर गिरा दिए गए। पाक आर्मी ने सड़क पर भी मोर्चा संभाल लिया जिससे इलाके को सैनिटाइज किया जा सके। सुनिए पाकिस्तानी सेना के बन्नू कैंप पर हमले की पूरी कहानी पाकिस्तान के आम नागरिक की जुबान। इन्ना दहशतगर है वो दे आर्मी दा झगड़ा लग गया दो वो ये दलास मिनट केरी चे लुटके हालात कंट्रोल सल वो टोल अस्पताल दा डजीना वो दा हालात मन डेर खराब के वो ये दा से सो पचीने करोरी लुटकी जोड़ अस्पताल वो रोडिना आर साहिबान दे। सुबह नमाज के लिए हम उठे, फिर धमाके की आवाज़ें सुनी। ये पता नहीं कि पता नहीं लगा क्या हो रहा है। जब हम शहर आ गए और देख लिया कि ये केंद्र में फायरिंग भी हो रहे है, धमाके की आवाज़ें भी आ रही है, धुआं भी हम देख रहे हैं, और उन धमाके से कारोबारी लोगों का जितना नुकसान हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस दुकान के शीशे इमारत है ये काफ़ी सामान टूट गया हुआ है, ख़राब हुआ है कि वो दोबारा नया लगाना पड़ेगा। इस हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर गुट ने ली है, जिसके बारे में पाकिस्तानी सेना का आरोप है कि ये गुट पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पड़ोसी अफगानिस्तान से संचालित होता है। इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए अफगान धरती का उपयोग कर चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है हाफिज गुल बहादुर गुट जिसने पाकिस्तान को खून से लाल कर दिया, तो इसका जवाब भी पाकिस्तान के बाप में ही छिपा हुआ है। 60 साल का हो चुका है हाफिज गुल बहादुर, ये कभी पाकिस्तान का पाला हुआ ही आतंकवादी था। खैबर पख्तूनख्वा राज्य के वजीराबाद जिले के दत्ता खेल इलाके में सक्रिय ये आतंकी साल 1992 से लेकर 1996 तक अफगान सिविल वॉर में भी सक्रिय था। बाद में वो तालिबानों के साथ जुड़ गया। कई सालों तक वो शांत बैठा रहा। वजीरिस्तान इलाके में आतंकी संगठनों के बीच वो पाकिस्तान का दोस्त माना जाता था। इसके साथ ही हक्कानी नेटवर्क के भी काफी नजदीक था। हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में अमेरिका और उसके सहयोगी अफगान सेना के खिलाफ अभियान चलाता था। हाफिज गुल बहादुर ने समय समय पर हक्कानी, अलकायदा और TTP जैसे संगठनों की मदद की है। हालांकि वो सीधे तौर पर किसी आतंकी संगठन से नहीं जुड़ा। इसके बाद जब TTP और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़ाई शुरू हुई तो हाफिज गुल बहादुर शांत बैठा रहा। खबर ये भी थी कि साल 2006 में पाकिस्तान की सेना के साथ उसका इस बाबत समझौता हुआ था कि वो किसी भी आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं होगा और ना ही अफगानिस्तान में लड़ाके भेजेगा। लेकिन 2009 आते आते गुल बहादुर ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीते साल जून में जब पाकिस्तान की सेना ने TTP के खिलाफ अभियान चलाया तो उसकी लिस्ट में हाफिज गुल बहादुर नहीं था, लेकिन जुलाई 2023 में हाफिज गुल ने 10 पाकिस्तानी सैनिकों का अपहरण कर लिया। हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया, लेकिन इस घटना के बाद से वो पाकिस्तानी सेना की आंख में चढ़ गया। इलाके में पाकिस्तान सेना के ऑपरेशन में उसके घर को तबाह कर दिया गया। हाफिज गुल बहादुर अफगानिस्तान भाग गया। उसके कई कमांडर और रिश्तेदार मार दिए गए। हाफिज गुल ने कभी TTP से दूरी बना रखी थी, लेकिन स्थानीय मीडिया के मुताबिक अब वो धीरे धीरे TTP के नजदीक आ चुका है। इसे नियति का खेल ही कहा जाएगा कि जब अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली थी तो पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा था, लेकिन अब देखिए कि वही पाकिस्तान तालिबान के हमलों से त्राहिमाम कर रहा है। पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो आतंकियों ने पाकिस्तान पर बड़े हमले किए हैं जिनमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है।
पाकिस्तान के सुरक्षा मामलों पर आई सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2023 में सिर्फ हिंसा से 1524 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1463 लोग घायल हो गए, जबकि 789 आतंकी हमले हुए हैं। ये आंकड़े बीते 6 सालों में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के आने के बाद से आतंकी हमले बढ़ गए। क्या चाहता है तहरीके तालिबान? इसका मकसद पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंक कर अफगानिस्तान की तरह शरिया कानून लागू करना है। विचारधारा के मामले में यह संगठन खुद को तालिबान ही मानता है। साल 2008 में इस संगठन पर पाकिस्तान में प्रतिबंध लगा दिया गया। साल 2014 में टीटीपी ने पेशावर के स्कूल पर हमला कर दिया, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें से ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। टीटीपी को संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने भी आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। हमलों के बाद अमेरिका ने भी इस घटना की निंदा की। Certainly, our thoughts and prayers are with the families of those soldiers that were lost. I know that as we've talked about in the past, Pakistan is in a tough fight at times when it comes to fighting terrorists in the region, and so certainly saddened to hear that. When it comes to counterterrorism, the U.S. and Pakistan have worked together in the past, and we continue to discuss ways that we can work together. पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान के रीजनल हेल्थ सेंटर में हुए हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान कोई सबक लेगा? फिलहाल उम्मीद तो नहीं दिखती।